दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इको नेशनल पेंट और लक्ष्मी वॉल पुट्टी, दिल के रंग दीवारों पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रोहित कंवर 8580505060, रोहित शर्मा 7018782483 पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये रेज होता है सर कि जब वो उनको ले गया यहाँ से तो पुलिस साथ में आज तक हुआ नहीं है कभी कि पेशेंट के साथ जो है वो हॉस्पिटल वाले पुलिस भेजे वहां पर एस्कॉर्ट। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और पुलिस भी गई कैसे, वो उनके भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये पुलिस जो है उनके साथ उनके पास क्या ऐसे सर्कमस्टांसिस होंगे जिसके कारण जो है पुलिस को वहां पर जाना पड़ा। मतलब ये चीजें हम सुनते थे बिहार यूपी में यहाँ नहीं होती थी और ये पहली बार ही हुआ है ऐसा। और पैदल दोबारा में हम बैठे क्या वैसे तो मैं भी बाहर था साहब उस टाइम नहीं आए हैं। हम लोग बैठे हुए थे अलग से क्या रखा सर, हम लोग इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट में देख रहे थे इस वाले पार्ट में किस तरह से वहाँ पुलिस वाले। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लगता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पुलिस जो है वो एस्कॉर्ट करके क्यों गई साहब। मैं बात सबसे बड़ी बात और मतलब इतना प्रेशराइज किया गया कि इस आदमी का भी हार्ट फेल हो जाता है। डीसी साहब, हमारी बेटी की मौत अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है। उन्होंने ऑपरेशन करते वक्त कोताही बरती जिससे उसकी मौत हो गई। यह आरोप बुधवार को डीसी से मिलने आए ब्राहलड़ी पंचायत के लोगों ने अस्पताल पर लगाए। उनका कहना था कि जब हमारी बेटी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसे टांडा रेफर कर दिया गया। आज एक सप्ताह होने को आया है लेकिन दोषियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हम सब ग्रामीण मांग करते हैं कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। डीसी ने लोगों को आश्वस्त किया कि 3 दिन के भीतर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस पर ग्रामीणों ने कहा कि अब 3 दिन में कोई एक्शन ना लिया गया तो वे नेशनल हाईवे पर धरना देंगे। इस मौके पर काफी संख्या में आए लोगों के साथ ब्राहलड़ी पंचायत की प्रधान और मृतक शिक्षिका का पति भी मौजूद था। प्लानिंग बना रहे हैं वो भी इसमें नहीं होगी, ऐसे हमें पूरी होगी। आपके होते हुए नहीं हो सकता, कोई और होता तो शायद वो मैनेज भी हो जाते, लेकिन आप नहीं होने वाले हैं। वो हमने भी जो है बाहर फील्ड में भी जब चर्चा की इन लोगों के साथ, मैंने इनको ये बताया कि आपके होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हमें पूरी होगी। तो मैं इनको थोड़ा सा अलग से सुन लूंगा। सर, हमें हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी पूरा संदेह है कि वहाँ ऑपरेशन की आड़ में कुछ और भी वहाँ चलते हैं। और मैं समझ रहा हूँ आपकी बात का, बट वी कांट जस्ट राइट नाउ कांट बी जजमेंटल की भाई वो ठीक है, वो सारा वर्बल है, वो फिर वो सीसीटीवी कैमरा है किस टाइम हमने बोला भी हमारी जो बेटी के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया हुआ है वो अच्छा नहीं है, और आज हमारी बेटी के साथ किया, कल को कहीं किसी और की बेटी के साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं किया जाए जिससे उसकी जान चली जाए। और हमारी बेटी को यहाँ से रेफर करके जब टांडा ले जाया गया तो टांडा में उनके साथ कोई भी लेडीज नर्स या कोई भी डॉक्टर नहीं गया, और वहाँ डेड बॉडी पहुँचा के उसके बाद उन्होंने बोला भी यहाँ रेफर करवा, इवन के वो मर चुके थे, 4 घंटे पहले मर चुके थे, टांडा वालों ने उसी टाइम डिक्लेयर कर दिया। अब हमने ऐसा बोला भी कमेटी ऐसी बनाओ जिससे पब्लिक भी शांत हो जाए और हमें भी निष्पक्ष जांच आपकी जांच करने का पता लग जाए, आपने निष्पक्ष जांच करी है। अभी डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है भी 3 दिन के अंदर अंदर में ये जो ये सचो की रिपोर्ट आएगी उसके बाद मैं उनसे बात करके आपको क्लियर करता हूँ। और सीएमओ साहब ने भी बोला भी 2 हफ्ते
दो हफ्ते तक टाइम दिया हमें, उसके बाद हम फिर मुख्यमंत्री के पास खुद जाएंगे और वहां जाके उनको बताएंगे वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया हुआ है किस चीज के लिए चलाया हुआ है। जब हमारी बेटियों की बहुओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमें क्यों ऐसे पब्लिक को क्यों ऐसे उसमें डाल रहे हैं, गुमराह किया जा रहा है। तो मेरी यही डीसी साहब से रिक्वेस्ट थी कि सर हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। अगर इस टाइम के दौरान कुछ नहीं किया तो फिर क्या? इस टाइम टाइम के टाइम पीरियड के दौरान तीन दिन के अंदर अगर कुछ और हो गया तो फिर हम धरना देने के लिए तैयार है, पूरी पब्लिक ऊपर है। जो खिलाफ हमने मांग की है वो पहले चाहिए। और जो मैंने डीसी साहब को यही बोला, मैंने बोला जब मेरी पब्लिक चुपचाप चली हुई थी डेड बॉडी को लेके चली हुई थी तो पुलिस वालों ने वो डेड बॉडी का स्ट्रेचर भी क्यों तोड़ा? स्ट्रेचर को नहीं तोड़ना चाहिए था। आज हमारी बेटी कल को उनकी बेटी होगी तो क्या करेंगे? वो भी यही करेंगे ना। अधिकारी के खिलाफ भी हमने प्रशासन के कार्रवाई की मांग मांगी है। और जिस एसएचओ साहब ने हमारे पब्लिक के ऊपर जो रिवॉल्वर ताना वो भी हमें मिलना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए कि मेरी पब्लिक क्या कर गई थी। जबकि पब्लिक को पब्लिक की सुरक्षा जो है वो एसएचओ साहब को खुद करनी चाहिए थी। जब मेरी लेडीज है एक बूढ़ी अम्मा है इसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा तो बूढ़ी अम्मा क्या उनकी माँ बेटियां नहीं है या बहुएं नहीं है? हैं उन्होंने मेरी बूढ़ी अम्मा को थप्पड़ मारा और पिस्तौल भी बूढ़ी अम्मा को ही बताया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई पर अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बोला भी अभी तीन कितनी बाकी है आनी बाकी है। सुषमा कुमारी प्रधान ग्राम पंचायत बडेरा। ये केस जो है वो है पंचायत का। सबसे पहले तो एसएचओ ने जब हम डेड बॉडी लेके आ रहे थे उसके लिए हमें 3 दिन का टाइम दिया कि 3 दिन में उससे बारिश हो जाए और बाकी जो डेथ का केस है वो 14 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके साथ हम क्लियर कर देंगे। अस्पताल के खिलाफ भी अस्पताल के खिलाफ भी मांग की क्योंकि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें 2-3 पॉइंट थे। पहला पॉइंट उनकी एसएचओ के खिलाफ कंप्लेन थी कि हमें रिप्रेजेंटेशन देने आने में दिया गया और हैंडलिंग को लेकर इश्यू था तो उसको मैंने एडीएम साहब को इंक्वायरी दी है। उनका कुछ एलिगेशन थे तो 3 डेज में वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट देंगे कि क्या इश्यूज थे। सेकंड पार्ट था उनका जो डेथ हुई उसमें मेडिकल नेग्लिजेंसी बड़ा इश्यू था तो उसके लिए ऑलरेडी हमने सीएमओ के अंडर में कमेटी गठित कर दी है। उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्होंने डाले हैं और उनका इस रेस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंटेशन था कुछ इन्फ्लुएंस को लेके तो हमने वो उनका जो एप्रिहेंशन था वो भी रिपोर्ट पर लिया है और ये अश्योर और आई आस्क्ड टू सीएमओ की फेयर एंड इंक्वायरी हो तो उसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है क्योंकि टंडा मेडिकल कॉलेज से अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आनी है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर जो प्रोसीजर जो हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कुछ रिपोर्ट पुलिस के साथ हैं तो उसको लेके सीएमओ के अंडर में कमेटी है जो टेक्निकल पार्ट पे जांच करेगी। तो 2-3 पार्ट्स थे उसको लेके हम लोग कर रहे हैं। FIR तो इसमें हो चुकी थी तो वो पुलिस अपना काम कर रही है लेकिन जो 2 पार्ट थे जो हैंडलिंग वाला वो एडीएम चेयरमैन से हमने कमेटी की है दूसरा जो मेडिकल वाला जो टेक्निकल कमेटी रिपोर्ट देना है सीएमओ के कमेटी रिपोर्ट देना। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए हमीरपुर से ब्यूरो चीफ नीलकांत भारद्वाज के साथ नीतीश गिल की रिपोर्ट।